नमस्कार, ये तिरवंग भस्म है, इसको घर पे बनाने की कोशिश मत करें। ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। किसी भी कंपनी की बनी बनाई लें और इसका जिस तरह मैं उपयोग बताऊंगा उस तरह उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। इसकी मात्रा मैं बता देता हूँ, इसकी मात्रा होती है 125 mg से 250 mg तक। आप सुबह शाम शहद, मक्खन, मलाई या गुलकंद में या अन्य औषधियों के शरबत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको किन बीमारियों में खाना खाने से पहले, किन बीमारियों में खाना खाने के बाद लेना है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसका इस्तेमाल अगर हम विधि पूर्वक करें, 125 mg होती है एक चुटकी, 250 mg होती है जिसे हम 250 mg बोलते हैं, वो दो चुटकी होती है। एक से दो चुटकी हम सुबह शाम या बीमारी के अनुसार सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इस औषधि का इस्तेमाल हमें 3 महीने लगातार करने से पुरानी बीमारी भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। इस औषधि को लगातार इस्तेमाल करने से कभी इसकी आदत नहीं पड़ती है, कभी इसका कोई साइड इफेक्ट, विधि पूर्वक लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अब कौन कौन सी बीमारियों को ये हमारी ख़त्म करता है, कैसे ख़त्म करता है, मैं ये आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को स्वप्न दोष की शिकायत है, रात को सोते हैं सपने में उनको स्वप्न दोष हो जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच गुलकंद में 1 से 2 चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका इस्तेमाल करने से स्वप्न दोष की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तिरवंग भस्म नाम है ना, तो इसके अंदर 3 भस्में है, नाग भस्म, वंग भस्म, यशद भस्म। वंग को रांगा भी बोलते हैं और यशद को जस्ता भी बोलते हैं। इन तीनों को मिला के भस्म तैयार करी जाती है जिसे तिरवंग भस्म बोलते हैं। अब मैं इसके फायदे बता देता हूँ, कौन कौन सी बीमारियों में ये हमारे फायदेमंद होता है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है, गंदा पेशाब आता है, पेशाब में बदबू बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच शहद में 1 से 2 चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से मसानों को ताकत मिलती है और पेशाब की मात्रा पूर्ण रूप से ठीक आती है, बार बार या ज़्यादा मात्रा में नहीं आती और पेशाब में बदबू की शिकायत भी दूर हो जाती है। जो बच्चे सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, दिन में सोते हैं तो दिन में भी पेशाब कर देते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बार बार पेशाब आता है, ऐसे बच्चों के माता पिता को कहना चाहूँगा 1 चुटकी तिरवंग भस्म, 1 चुटकी शिलाजीत का पाउडर, 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद बच्चे को देना शुरू कर दें। इसको देने से कुछ ही समय में बच्चा पेशाब करना बिस्तर पे बंद कर देगा और बिस्तर गीला करना बंद कर देगा और बिस्तर गीले करने की समस्या उसकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिन लोगों को पेशाब की थैली में, जिसे मसाने बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, मूत्र नली में या गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या जिसे यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं, मूत्र पथ में संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, वो जब भी पेशाब करते हैं पेशाब में जलन व रुकावट की शिकायत तंग करती है उनको, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच गुलकंद में 1 से 2 चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से जो मूत्र क्रच की समस्या है, मूत्र में जलन की समस्या है, मूत्र में रुकावट की समस्या है या मूत्र पथ में संक्रमण की समस्या है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जो लोग मधुमेह से परेशान है, मधुमेह शुगर डायबिटीज़ को कहा जाता है, इनसे पीड़ित व्यक्ति अगर शुगर कंट्रोल में भी रहती है तो उनके लीवर, गुर्दे कमज़ोर होते चले जाते हैं, आंखें कमज़ोर होती चली जाती है, दिन प्रतिदिन नसें, हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती है, अंदरूनी या बाहरी कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि गुड़मार बूटी 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और सूखे करेले 100 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में 1 चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करने से उनको मधुमेह में बहुत अच्छा आराम मिलेगा और मधुमेह के कारण जो उनके शरीर पे कमज़ोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। कई लोग पता क्या करते हैं, मधुमेह से जो लोग परेशान होते हैं वो खाली कैप्सूल में शिलाजीत का पाउडर 2 चुटकी और तिरवंग भस्म 1 चुटकी डाल के
एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है और कमजोरी की शिकायत दूर हो जाती है। जिन पुरुषों का वीर्य कम मात्रा में बनता है, वीर्य पतलापन है, वीर्य में पूरी गुणवत्ता नहीं है, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा, दो चुटकी परवाल पिष्टी लेनी है आपने, एक चुटकी आपने तिरवंग भस्म लेना है, एक चम्मच शहद लेना है और एक चम्मच आपने आंवला पाउडर लेना है। इन सभी को मिक्स करके आपने सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और वीर्य की मात्रा ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाती है और वीर्य में गाढ़ापन भी बढ़ता चला जाता है। जो सपन दोष से परेशान होते हैं, रात को सोते हैं सपने में, उनको सपन आता है और मूत्र मार्ग से वीर्य का स्त्राव हो जाता है, अगले दिन शरीर में कमजोरी, चिड़चिड़ापन, थकावट महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, एक चम्मच गुलकंद में दो चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह, एक चम्मच गुलकंद में दो चुटकी तिरवंग भस्म मिला के शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद दोनों समय इस्तेमाल करने से बहुत जल्द स्वपन दोष की शिकायत दूर हो जाती है। जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु की मात्रा कम बनती है या बनती नहीं है, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा, उटंगन के बीज 100 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना लें, आधा चम्मच पाउडर सुबह आधा चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध कौन सा होना चाहिए? गाय का होना चाहिए। अब इसके बाद तिरवंग भस्म ऊपर से क्या करना है, दो चुटकी तिरवंग भस्म एक चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आप बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जिन महिलाओं का गर्भ नहीं रुक पाता, कई कारणों से बच्चेदानी में कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण गर्भ नहीं रुक पाता, या किसी कारणवश रुक भी जाता है तो थोड़े समय में ही खराब हो जाता है, जो महिलाओं का बार बार गर्भ खराब हो जाता है, इन सभी प्रकार की महिलाओं को कहना चाहूँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कहना चाहूँगा कि लक्ष्मणा बूटी 100 ग्राम, शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, नाग केसर 100 ग्राम, इनको ला के पीस के पाउडर बना लें और जब पाउडर बन जाए आधा चम्मच पाउडर उसमें दो चुटकी आपने तिरवंग भस्म मिलानी है और एक चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तेमाल करना है और ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीना है। ऐसा कुछ ही समय करने में आपका गर्भ जो है जल्दी से रुक जाएगा, आप गर्भ धारण कर लेंगी और गर्भ में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत है, मूत्र मार्ग से सफ़ेद पानी पड़ता है जिसे लिकोरिया या प्रदर रोग के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, कमर में हड्डियों में दर्द रहता है, सिर में दर्द व चिड़चिड़ापन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा, एक चम्मच गुलकंद में एक से दो चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से सफेद पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन पुरुषों को शीघ्र पतन की शिकायत है, जैसे ही वो अपने साथी के साथ संभोगी क्रिया के में लीन होते हैं तो संभोगी क्रिया करने से पहले ही वीर्य का मूत्र मार्ग से स्त्राव हो जाता है, मूत्र इंद्री से स्त्राव हो जाता है और मूत्र इंद्री बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, या जैसे ही उस तरफ ध्यान जाता है तो मूत्र इंद्री से वीर्य का स्त्राव हो जाता है, उसे शीघ्र पतन कहा जाता है। ऐसे पुरुषों को कहना चाहूँगा, गाय के मक्खन एक चम्मच लेके उसमें एक से दो चुटकी तिरवंग भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको शीघ्र पतन की शिकायत से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये मसाने की गर्मी को कंट्रोल करता है जिससे शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। जिन पुरुषों को नामर्दी की शिकायत है, वो अपने साथी के साथ संभोगी क्रिया कर ही नहीं पाते, उनके इंद्रियों में तनाव आता नहीं, इंद्रियां हमेशा ढीली रहती हैं, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए तिरवंग भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। तिरवंग भस्म का इस्तेमाल करना आपने कैसे करना है, एक चम्मच गाय के मलाई में, गाय का जो दूध होता है ना उसे उबाल के उसके बाद जो उसमें मलाई
उठती है उस मलाई को एक चम्मच लेना है, उसमें तिरवंग भस्म एक से दो चुटकी मिला के सुबह शाम आपने चाटना है। और अगर इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो उसमें आप देसी खांड या मिश्री का पाउडर भी मिला सकते हैं, वो स्वाद अनुसार दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के सुबह शाम खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तेमाल करने से नामर्दी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और नामर्दी को ख़त्म करने के लिए लेप भी बता देता हूँ। जायफल, लौंग और अकरकरा तीनों को बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना लें। उस पाउडर को पानी में पेस्ट बना के लिंग के ऊपर चारों तरफ लेप करें और आधा घंटा छोड़ने के बाद गुनगुने पानी से धो दें, या उस लेप को ऊपर पान का पत्ता लपेट दें और आधा घंटा छोड़ के उसके बाद गुनगुने पानी से धो दें। कई लोग ऐसा करते हैं, पान का पत्ता लपेट के इसको रात भर लगा हुआ रहने देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, लिंग पे छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा मत करें, आधा घंटा छोड़ के उसका गुनगुने पानी से धो दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, आपकी इंद्रियों में तनाव आ जाएगा और काफ़ी देर तक वो तनाव बरकरार रहेगा। तिरवंग भस्म का कोई ज़रूरत के हिसाब से अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि कहते हैं ना, अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।